तो आपको एक लड्डू फ्री में। तो अभी हम आ गए हैं लगेज सेंटर को, लगेज और सेलफोन, वो जो मैंने सवेरे दिया था कांच की बॉटल आती है 120 रुपीज़ में। इसका ये बड़ा सा मूर्ति है तिरुमला पर्वत। हेलो एंड वेलकम बैक। तो ये रूम था, अभी मैं फुल्ली रेडी हो चुका हूँ, धोती और वाइट शर्ट टुगेदर फुल साउथ के लुक में, एंड लेट्स गो, अभी चलते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पर नीचे एक सर्कल है, वहाँ से फ्री बसेस चलती हैं। सर्कल जो 80 GC सर्कल है वहाँ तक, तो हम भी वही जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम बचा है। रिपोर्टिंग टाइम 12 है और अभी 11:30 बज गए, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे वहाँ सर्कल से। वो वैसे ही फ्री बस चलती है, तो वैसी बस से आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद 80GH सर्कल है, ये 80GH सर्कल, यहाँ अंदर आके वहाँ पर आपका रिपोर्टिंग होगा। तो आपने वो जो SHD टोकन है वो दिखाना है, अगर आप SHD टोकन के साथ आ रहे हो, और जो 300 रुपीज़ वाली लाइन है वो अलग होती है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, कुछ ऐसा दिखता है। बहुत क्लीन है, बहुत यानी बहुत कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। SHD टोकन्स फॉलो की एंट्री, जहाँ से हम भी एंटर करेंगे ये साइड में। यहाँ पर बस एक सीन है वो एंट्री के, यहाँ पर कि फुटवेयर जो है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो इसीलिए आपके एक्सपेंसिव शूज़ वगैरह थोड़ा अवॉइड ही करें आप यहाँ पर। चप्पल्स वगैरह पहन के आए, या फिर नंगे पाओ अगर यू आर कंफर्टेबल तो वो भी चलेगा। चलो हम चलते हैं अंदर। तो सिक्योरिटी चेक से अंदर आके आपको ये ऐसे ये कॉरिडोर बना हुआ है, इस कॉरिडोर में से चलते चलते जाना है। कुछ बहुत लंबा कॉरिडोर है, चलो जाना तो है ही, जैसा भी हो चलते हैं। गोविंदा गोविंदा, चलते चलते बहुत लंबा आ गए और फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बहुत चला रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर है ना, यानी हर 10-15 फीट्स पर पानी का ऐसे बना हुआ है। सो ऐसे कुछ नहीं है कि बॉटल कैरी ही करना है, या फिर वो ग्लास भी होता है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कीपिंग अ वाटर बॉटल व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ दर्शन। दर्शन के लिए आते टाइम ये वरी ना करें, वैसे ही बाहर से आ रहे थे अपन। अभी चलते चलते एक घंटा पर हो गया है, क्योंकि 12 बजे हम अंदर आए थे, अभी 1 बज गए। तो जस्ट एक काउंटर के पास है, यानी एक कंपार्टमेंट है, तो मे बी वहाँ पर लगेज और लॉकर्स वगैरह होंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो अभी हम आ गए हैं लगेज सेंटर, तो यहाँ पर लगेज वगैरह, यू कैन पुट योर लगेज एंड ऑल। तो हम हैं लगेज और सेलफोन काउंटर्स के यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लगेज और सेलफोन दे सकते हो आप, तो हम भी देंगे। वो ऐसे स्कैन वगैरह करके देते हैं, बस इसी लाइन में रुकना और करना है अपनी चीज़ें। तो दिस इज़ हाउ इट गोज। यहाँ से आगे मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सभी कैमरा वगैरह लगेज जैसे फ़ोन है सभी ये यहाँ पर जमा करनी है। तो फिर देखते हैं आगे, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अभी बज गए 6:30, हमने 12 बजे चालू किया था, तो अभी जस्ट वो जो मैंने सवेरे दिया था लगे, तो अभी रिटर्न आ गया, एंड थैंक यू सो मच। ओके चलेगा। तो वहाँ था वो कॉमन लगेज सेंटर, जहाँ से हमने लगेज कलेक्ट किया, जिसमें मेरा फ़ोन था और GoPro था। तो अभी फिर से मंदिर की साइड जाते हैं, और मैं आपको लड्डू वगैरह कहा होता है ना वो सभी दिखाता हूँ, और फिर मंदिर की फ्रंट साइड पे देखेंगे।
कुंडी वगैरह सामने से कैसा दिखता है मंदिर, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ था। कुल मिला के वैसे बोला जाए तो 6 घंटे लगे SSD टोकन के साथ, 6 घंटे लगे तो यानी कुछ ज़्यादा ही लग गया। पर उसमें ऐसा है कि आज है गुरुवार, तो मैंने ऐसा सुना यहाँ पर कि गुरुवार पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो फिर रश ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से। तो ये है सामने वाला स्ट्रीट, और ये रहा भगवान बालाजी का, भगवान वेंकटेश का टेंपल। तो हम अभी बैठे हैं एग्जैक्टली मंदिर के सामने, वो साइड से सब बाहर निकलते हैं और फिर यहाँ से ऊपर आते हैं, और फिर ऊपर आने के बाद ये साइड में लगेज का काउंटर होता है ऊपर साइड, तो जहाँ पे आपके फोन्स वगैरह होते हैं आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अच्छा था यार सीन, यहाँ पर अलग से चल रहा है, ज्योत चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पर आना हुआ यार, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही आपका दर्शन हो जाता है, दर्शन होने के एग्जैक्टली बाद आपको लड्डू लेना होता है प्रसाद वाला। ये ऐसा लड्डू देते हैं, अगर आपके पास SSD का टोकन है तो आपको एक लड्डू फ्री मिलता है, अगर आपके पास ऑनलाइन रिजर्वेशन है जो 300 रुपीज़ वाला टिकट होता है वो, तो भी आपको एक लड्डू फ्री मिलता है। ये ऐसा लड्डू होता है, एक बहुत बड़ा सा लड्डू है, ये उसकी कैरी बैग होती है। ये 6 रुपीज़ वाली बड़ी होती है और 3 रुपीज़ में एक छोटी वाली कैरी बैग होती है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आपको कुछ साथ में कैरी करना है, वही के वही पैसे दे दो और वो कैरी बैग से आप लेके जा सकते हो लड्डू। अरे 2 टोकन थे तो हमने क्या किया, 2 टोकन के साथ 2 लड्डू तो फ्री आ गए, तो मैंने और ऊपर 10 लड्डू एक्स्ट्रा ले लिए। जो छोटा वाला लड्डू है, यानी छोटा, ये इसको छोटा कहते हैं, एक्चुअल में ये छोटा है नहीं, ये है बहुत बड़ा, ये होता है 50 रुपीज़ का। इसका वेट समवेयर अराउंड 170-180 ग्राम्स होता है, और एक बड़ा वाला भी लड्डू होता है जो 200 रुपीज़ का होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 700 ग्राम उसका वेट होता है, तो डिपेंड्स आपको कौन सा लेना है। और ठीक है, देखते हैं अभी अन्न प्रसाद साइड जाएंगे और क्या क्या है देखते हैं। तो वो रहा मंदिर, मंदिर के सामने आने के बाद लेफ्ट साइड में चलते चलते आपको आएगा प्रसादालय, तो अभी हम प्रसादालय में जा रहे हैं। इसमें ब्रेकफास्ट 8 से 10:30 होता है, लंच 10:30 से 4 बजे तक होता है, और डिनर 5 बजे से रात 10:30 बजे तक आपको डिनर मिलेगा। चलो, मैंने बहुत सुना है यहाँ के प्रसाद के बारे में, बहुत टेस्टी होता है और भगवान का है तो इसीलिए मज़ा तो आएगा। चलो चलते हैं। यहाँ हम आ गए हैं, यह है प्रसादालय, तो चलो चलते हैं अंदर। वाह, सो नाइस। तो ये जो हमने नीचे से देखा वो ऊपर से इतना भव्य और दिव्य दिख रहा है, क्या बताऊँ आपको। तो दिखाया ये है, यह है तिरुमला पर्वत जहाँ पर भगवान बालाजी का मंदिर है, ये नदी है और ये ऐसे जा रही है, तो जा रही है तो फिर नंदी है, माँ पद्मावती दैट इज लक्ष्मी, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, क्या ही नज़ारे।
ये है अन्न प्रसादालय जहाँ पर खाना चालू है। और यहाँ पर केले के पत्ते आपके लिए स्टॉक में रखे हैं, आओ जल्दी से आओ और प्रसाद का आनंद उठाओ। चलो चलते हैं। तो मॉर्निंग में जो बस ली थी वही बस है, हम कहाँ है रिटर्न। तो देखो भैया चप्पल तो छोड़ते नहीं है, हमने जहाँ चप्पल निकाली थी वो चप्पल अब देखेंगे मिलती है नहीं मिलती है, बट होपफुली मिल जाएगी तो अच्छा है। अच्छी चप्पल थी भैया की है। चलो चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर निकाली थी हमारी चप्पल, हमारी चप्पल जगह पर है। अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, चप्पल जैसे निकाली थी वैसे ही है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो आज का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, यही वो मेरे पीछे लाइन है SHD टोकन सर्व स्लॉटेड सर्व दर्शन की, यहाँ से आप SHD टोकन के साथ दर्शन कर सकते हो। चलो चलते हैं। फुटवेयर कलेक्शन के बाद सेम फ्री बस आपको सर्कल पे लेके जाएगी जहाँ पर आपके रूम्स वगैरह अलॉटेड होंगे। वैसे ये साइड में भी रूम्स अलॉट होते हैं, बट डिपेंड्स अपनी वो साइड है तो हम उधर ही जाएंगे। चलो चलते हैं। बस ने जा यानी मॉर्निंग यहीं पर बैठे थे। ये एक लिपाक्षी करके है सर्कल यार, यहाँ पर बालाजी महाराज का ये बड़ा सा मूर्ति, जो भी यानी तिरुपति आते हैं वो यहाँ पर फोटो जरूर खिंचाते हैं, हम भी खिंचाएंगे। तो ऐसा रहा आज का दिन, अभी देखते हैं थोड़ी देर में यानी अभी फिर से वो रूम पे जाएंगे फ्रेश होंगे, देखते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह कैसा होता है कुछ। सो दिस इज़ द राइड। ये फ्री बस वाली वो तो एसी वाली थी, ये नॉन एसी है। तो ऐसे ही घूमते घूमते ये भी घूम लेंगे। ठीक है, अलग एक्सपीरियंस है। ये ना पूरे तिरुपति सॉरी तिरुमला जो ऊपर है ना ये घूमते ही रहती है। तो यहाँ पर क्या है ना सीन, ये जो सामने ये कमांडर दिख रही है ना गाड़ी महिंद्रा की, तो ये भी टैक्सी जैसे होता है यहाँ पर। वो 20 रुपये सवारी यानी 20 रुपीज़ पर सीट ऐसे लेते हैं, और फिर ये होती है फ्री नॉन एसी, और वो साइड में एक है वो एसी जा रही है। एंट्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, ओल्ड है पूरा दिन चलता ही रहता है इनका। अच्छा है चलो फिर एंजॉय। यहीं पर बालाजी महाराज की जो स्टैंडिंग स्टैचू है उसी के सामने यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखेगा 120 रुपीज़ में 6 मंदिर अप एंड डाउन। तो दोस्तों ऊपर ऐसा है कि यूजुअली हम प्लास्टिक बॉटल्स कैरी करते हैं, बिस्लरी वगैरह ऐसे बॉटल्स कैरी करते हैं, बट लेकिन वहाँ ऊपर ऐसा सीन है कि आपको प्लास्टिक की बॉटल लेके ऊपर आने नहीं देते हैं, सिक्योरिटी चेक में वो बॉटल आपकी निकाल लेते हैं, डिस्कार्ड करनी पड़ती है। तो ऊपर ये ऐसी कांच की बॉटल आती है जो 55 रुपीज़ की होती है, और जैसे अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो आपने इनको अगर वो बॉटल रिटर्न कर दी पानी पीने के बाद तो वो आपको 30 रुपीज़ दे देंगे। तो यानी आपका जो हम यूजुअली 20 रुपये लीटर पानी पीता है बस 25 रुपये लीटर हो जाता है, या फिर 5 रुपये पर लीटर बढ़ जाता है। हाँ बस एक बात है कि आपको बॉटल जो कांच की बॉटल है वो रिटर्न करने पर ही आपको 30 रुपीज़ आपके जो काइंड ऑफ एज अ डिपॉजिट समझ लीजिए वो रिटर्न होगा। ये भी एक है, यूजुअली हम इतना ध्यान नहीं देते पर इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्राइसेस मंदिर की साइड में थोड़ी बढ़ जाती है। अब ये SNC कॉम्प्लेक्स के सामने वाले शॉप है, ये यहाँ पर इसका है, ये प्योरली क्लाउड्स है। आप जैसे क्लाउड्स में पानी महसूस करते हो ना,
वैसे मैं भी यानी यहाँ पर पानी जैसा हो रहा है, बहुत सही है। अभी हम भी रूम की तरफ जा रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम सॉल्व करेंगे मिलके। ओके, जय बालाजी, बाय बाय।